Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button. Welcome back viewers. Thank you Ms. Pashani for discussing that question about China. Um, my second question to you is in regards to Pakistan Prime Minister has written an article in Washington Post recently about American military callback from Afghanistan. Can you please shed some light on that as well? हाँ वो आर्टिकल जो है इज़ वेरी इन टाइमली फैशन और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है लेकिन वो आना जो है वो किसी या स्टेट भी डिपार्टमेंट के बंदे की तरफ से चाहिए था या कोई अमरीकी अगर कोई राइटर होता चूँकि उसने उन्होंने प्रोपोज ये किया है कि इस इज़ वेरी डेंजरस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू पुल आउट मिलीटरी फ्रॉम अफगानिस्तान अमेरिकन मिलिटरी पुल आउट या फिर इवन के कोई उसका टाइम टेबल देना इट वुड बी टू अर्ली एंड टू हेस्टी तो इस तरह के जो आर्टिकल है ना आप अगर इसको गौर से देखें तो कपल ऑफ अगो जब प्रेजिडेंट uh, ट्रंप जो है वो बरसर इकदार आए थे वेन हीसी uh -huh. तो उसने भी ये कहा था कि मैं एज सुन एज पॉसिबल आई एम गोइंग टू पुल आउट तो उसके जवाब में जितने आर्टिकल कुछ आए थे इनपुट आया था थिंक टैंकों की तरफ से या सी की तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसी या ख़ुद जो अफगानिस्तान के उस वक्त रूलिंग एलिट है उनका एग्जैक्टली यही आर्टिकल अगर नहीं था लेकिन स्टेटमेंट यही थी कि इट वुड बी टू अर्ली ये एस डिसीजन होगा विच कुड बी वेरी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव और ये प्रॉब्लम बन सकता है लेकिन दैट वाज लाइक कपल ऑफ इयर्स अगो उसके बाद वहाँ पे सिचुएशन बहुत हद तक इसलिए चेंज हुई है कि ज़ाहिर है ये जो दो तीन सालों में वहाँ पे ये सारी एक्सरसाइज हो रही है एक पीस नगोश हो रहा है तालिबान वर्सेस जो सीटिंग गवर्नमेंट है वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वर्सेस जो पार्टीज़ वहाँ पर जो भी रिलेटेड पार्टीज़ इस, इस इशू पर बैठी हुई हैं तो इस मौके पर ये आर्टिकल जो है मेरे नज़दीक जो है ना ये सिचुएशन पे फिट नहीं बैठता इट शुड नॉट हैव कम फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चूँकि इसमें उनका कोई ये रिलेटेड बनता नहीं है ऑब्वियसली जो टाइम टेबल तय करना है अफगानिस्तान के अंदर हुक्मरान तबकात भी हैं और जो उनकी अपोजिशन है वो भी मौजूद है और जाहिर है आर पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट और अगर वो ये समझते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू पुल आउट अमेरिकन मिलिटरी तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई पड़ोसी मुल्क जो है जाके उनको तजवीज़ दे के नो नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम चूँकि उसमें कौन सा ऐसा एजेंडा है जो के अधूरा है आई मीन इनकम्प्लीट है और अंडर प्रोसेस है इस पे ये सवाल <coughs> उठता है लेकिन ये है कि ये देखें बात ये है कि इसमें चूँकि पाकिस्तान का क्लेम ये है कि हम जो है इसमें एक प्रिंसिपल पार्टी के तौर पे जो इस वक्त नगोसिएशन हो रही है तालिबान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ अफ़ अफगानिस्तान उसमें हम एक प्रिंसिपल पार्टी के तौर पे फैसिलिटेटर हैं और फैसिलिटेटर का मतलब ये है कि इसमें हम स्टेक होल्डर भी हैं कि अगर पीस प्रोसेस कामयाब होता है तो ऑबली इट्स ए अ बिग न्यूज़ फॉर आस yeah. और उसके पीछे वजह वो ये बताते हैं कि जी हमारा सी पैक जो है ईरान का शामिल होने के बाद अफ़गानिस्तान एक वाइटल और इम्पॉटेंस जो है वो इख्तियार कर गया है चूंकि उस सूरत में अफ़ग़ानिस्तान जो है एक विंडो है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके और पाकिस्तान और चीन और ये सारी जो है ईरान के दरमिया तो इसलिए ये पीस के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ है और इसको होना चाहिए एक तरफ तो उनका इशू ये है दूसरी तरफ उनका इशू ये है कि इट्स टू अर्ली इट्स टू अर्ली क्यों कि उनके हवाले से जो उनकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ जिसको वो कहते हैं यानी स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर जो उनका स्टेक है उसके लिए गालिबा उनको इस वक्त कोई श्योरिटी या गारंटी जो है जो कि ट्रेडिशनली वो मांगते रहे हैं वो मिलती नहीं है अब मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की एक मैं मैं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान ने जो है अपने फेल्ड किस्म के एक्सपीरियंस से टू वर्ड दी अफ़गान पॉलिसी कुछ न कुछ लेसन सीखा होगा लेकिन इट सीम्स के ये दुरुस्त नहीं है चूंकि अगर आप देखते पीछे तक जाएँ तो पाकिस्तान का ये जो मस जो क्रिएट हुई और ये जिस नाइट के अंदर ये ट्रैप हुआ उसकी वजह एक्जैक्टली यही थी जो इमरान ख़ान ने कही कि आप इस्लामाबाद में बैठ के ये प्रिडिक्ट करें और सुजेस्ट करें कि अफ़गानिस्तान के लिए कौन सा टाइम दुरुस्त है और कौन सा टाइम गलत है और इसमें कुछ अर्सा पहले तक तो ये इन्होंने एक तरह से समझ लें कि ये बहाना सामने लाया कि जी हमारा चूँकि सोवियत यूनियन का जो है कि वजह से हमें इन्वॉल्व होना पड़ा कि सोवियत यूनियन की वजह से क्यों इन्वाल्व होना पड़ा कि जी सोवियत यून चूँकि अफगानिस्तान में आ गया था तो अगर हम इसमें इन्वॉल्व ना होते तो सोवियत यून ने और आगे बढ़ना था जो एक पुरानी वो रवायती ग सी पी टी और बहुत ही पीटी हुई थ्यूरी है कि सोवियत यूनियन जो है वो गर्म पानियों तक पहुँचने की यानी अराबियन ओशन जो है ना सी तक पहुँचने की कोशिश में था तो ज़ाहिर अफगानिस्तान तक वो पहुँच गया था तो अब आगे उसने रुकना नहीं था तो इसलिए जो वार हमें यहाँ लड़नी थी वो हमने वहाँ जाके लड़ी है दैट वाज़ एन एक्सक्यूज़ विच दे यूज और इस एक्सक्यूज़ को यूज़ करके तो उन्होंने 20 साल तक जो है वो पूरी नेशन को और इंटेलेक्चुअल्स को इंटेलिजेंसिया को एक तरीके से एक मिसगाइडेड ओपिनियन जो है वो आप यूँसा मिलें कि उस पर लगाए रखा हालांकि अगर आप इस पर देखें अगर सच्चाई जो है हकीकत में जो फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है तो वो आप बहुत पीछे चले जाएं पहली दफ़ा जब र शाह का तख्ता उल्टा था 1973 में झ़िर शाह वाज़ द किंग द तो बेसिक गाय वेयर इट ऑल स्टार्टड किंग ऑफ़ अफग़ानिस्तान और उसके ज़माने में जाहिर है अफ़ग़ानिस्तान वॉज ए प्रोग्रेसिव फारवर्ड लुकिंग कंट्री तो उसका जो इकतदार जो है वो तख्ता उल्टा गया साजिश के की गई और वो जो है वो दाऊद ख़ान जो उसका अपना ही एक रेलिटिव था उसने तो उसके नतीजे में उस वक्त जो है कोई सोवियत यून का रोल नहीं था अफगानिस्तान में नॉट एट आल मुमकिन है जाहिर शाह के साथ कोई उनका ताल्लुक हुआ हो चूंकि ज़ाहिर शाह का ताल्लुक के साथ था लेकिन किसी तरह का कोई लिंक आप जिसको कहें या कोई ख़तरा या कोई इन्वेजन या कोई इस तरह की चीज़ वो नहीं थी लेकिन उस वक्त इन्होंने ये किया कि उस वक्त जुल्फार अली भोटो पाकिस्तान में इंचार्ज थे इन चीज़ों के तो वहाँ से जो है स्टूडेंट इन्होंने मंगवाए जो कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में जो हिस्टारिकली डी हो रहे हैं और उनको जो है उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया मिलीटरीली हालांकि देर वाज नो मिलिटेंसी एट दैट टाइम इन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान या बार्डर्स पर कोई तवर ही नहीं था उस खत्ते में ही कोई मिलिटेंसी का इस तरह का तो इन्होंने स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पर ट्रेन करना शुरू किया कि इनके ज़रिए हम अफ़ग़ानिस्तान में बगावत कराएँगे और उस वक्त अफ़गानिस्तान के इनके तल्लक इस तरीके से ख़राब भी नहीं थे जो कि बाद में तालिबान के दौर में हुए लेकिन इसके बावजूद इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि अफग़ानिस्तान के अंदर हमारी एक जो पावर गेम है उसके अंदर एक शेयर जो है एक स्टेक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सोच की वजह से इन्होंने जो है वो इन्वॉलमेंट की वो इन्वालमेंट आगे बढ़ के ये मैं बात कर रहा हूँ सेवेंटी फोर की सेवनटी फोर में इन्होंने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया पाकिस्तान में सोवियत यूनियन जो है जी। वो सेवनटी फाइव सिक्स सेवन एथ और नाइन में जो है वो अफ़गानिस्तान में आया पाँच साल पहले ये ये काम कर रहे थे तो इसमें ये सोवियत को ब्लेम करना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ब्लंडर है और ये लोग इन्होंने जो बाद में फिर सोवियत के बाद आए जिसमें ये गुलबदीन हिकमत यार ये फंडामेंटलिस्ट अहमद शाह महसूद ये सारे लोग जो उन्होंने ट्रेन किए इन में से आज आधी से ज़्यादा लीडरशिप जो है वो तालिबान के मुख्तफ फैक्शन में और मुख्तफ ग्राउंड में जो है वो टॉप पे है बल्कि इंटरेस्टिंगली ये जो एक जो इनका लीडर था अभी जो कतर में नगोसिएशन हो रही है बिटवीन तालिबान और इनके अफगान गवर्नमेंट के दरमियान उनका जो एक लीडर है वो इंटरेस्टिंगली आप ये देखेंगे पाकिस्तान में एज ए स्टूडेंट उसको ट्रेनिंग दी गई मिलिटेंसी की उसके बाद वो गया और जाके वापस जो है वो अफ़गान जो है फ़ौज में चला गया और उसकी जो इंडियन रॉयल एकेडमी है मिलिटरी एकेडमी उसमें भी उसको ट्रेनिंग मिली और उसके बाद फिर 1980 में वो जाके वापस जो है वो तालिबान के साथ मिल गया और अब वो तालिबान के स्पोक पर्सन और लीडर के तौर पे मुखरतारत में बैठा हुआ है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अफगान जो मुजाहन अपने आप को कहते हैं या गोरी या फाइटर्स या वट के इनके जो है वो तरीका वारदात देखें जी कि ये हर तरफ से पूरे तरीके से जो है वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं जहाँ से उनको जो है वो मिल रहा है को मदद मिल रही है जिस तरीके से तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो मैस क्रिएट हुई थी 1973 में बिलावा जा जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था ना उसका कोई मफाद उसमें सेव हो सकता था और ना पाकिस्तान किसी भी तरीके से फाइनेंशली पोलिटिकली या कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के हवाले से कोई ऐसा मुल्क था कि वो अपने इर्द गिर्द के पड़ोसी मुल्कों के अंदर अपने हमनवा या अपनी जो है वो शेडो में इस तरह की मिलिटेंट फोर्सेस को क्रिएट करे लेकिन ये गलती जो है उससे उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा और वही गलती जो है अब इस वक्त भी दोहराई जा रही है इस वक्त आप ये देख लें कि जो जिस तरीके के ये बयानते हैं मसल मतलब ये है कि एक प्री पीस प्रोसेस बिल्कुल मिडल में है और ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज़ वाचिंग दैट क्लोजली कि अब ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है तो आप उठा के वाशिंगटन पोस्ट को लिखते हैं कि जनाब दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टाइम टू डू इट इसका right. मतलब ये है कि अफगानों को मजीद मरने दो उनको मज़ीद इसी उसमें इस जो है वो झगड़े में पड़े रहें चूँकि इसकी वजह यह है कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो अमेरिका वहाँ से निकल रहा है तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है इस वक्त तक जो कैलकूलेशनस हैं बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू बिलियन डॉलर इस चीज़ पर ख़र्च हो चुके हैं जो अफ़गान इशू है स्टार्टिंग फॉर लास्ट एटीन नाइनटीन ईयर्स उनके जो है वो तीन चार हज़ार फौजी जो है वो मारे चुके हैं बीस तीस हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं पाकिस्तान दूसरा तीसरा वो जो नुकसान हुआ है वो अपनी जगह है तो इसके बाद अगर एक जो चीज़ वहाँ पे देखने की है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद अमेरिका ने अगर ये ऐलान किया कि हम वहाँ से निकल रहे हैं हालांकि इस अरसे में जो पंद्रह सौ साल का अरसा है एट बिलियन तो वो हैं जो उन्होंने ख़र्च किए लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट आलमोस्ट ए ट्रिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किया जो उन्होंने वहाँ पे जो अड्डे और अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन सेंटर्स और इस तरह की चीज़ें क्रिएट की हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद उन्होंने जो इतने रिलायबल किस्म के शेल्टर्स वहाँ पे क्रिएट किए अड्डे क्रिएट किए वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे वो वहाँ बैठ के चीन ईरान पाकिस्तान इर्द गिर्द की पूरी दुनिया जो है उस पर नज़र रख सकते हैं तो वो क्यों ये तय कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिलफोर निकल रहे हैं प्रैक्टिकली right. और जाहिर है क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो मिलिट्री मैन है और उनका जो ब्रेन है वो क्या उनको इस तरह की कोई प्रोपोजल दे रहा है या फिर ये है कि वो निकल रहे हैं जस्ट नामिनली बट दे आर स्टिल कीपिंग देयर फोर्सेस देयर तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है इट मेक सेंस लेकिन वो इस सूरत में है कि इसको अफ़गानिस्तान के अंदर से होके कोई लिखे और वहाँ के जो रिप्लेसिंग फोर्स है मसा ये जो एग्जिस्टिंग रजीम है इसके हटने के बाद जो आ रहा है वो अगर इस तरह किसी ख़दशे का इज़ार करता है जिसके कोई मटेरियल ग्राउंड्स हैं कि इतनी जल्दी फ़ौज के निकलने के बाद हमें ये नुकसान होगा लेकिन बहरहाल इस पर कोई फूल ही यकीन कर सकता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ रियली पोलिंग आउट चूँकि मैंने जैसा कि अर्ज किया कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने के बाद दे आर नॉट गोइंग टू लीव दैट प्लेस राइट अवे एंड गो ऑन द कॉन्ट्रेरी दे विल डू इट वन बाई वन कीपिंग देयर इंटरेस्ट और जो भी उनके जहाँ नुकसान हैं और फ़ायदे हैं उनको जो है वो सामने रखते हुए लेकिन एज़ फार एज़ पीस इज़ कंसर्न तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि अब इस, इस स्टेज पर जो है मैं समझता हूँ कि अफगानों को एक बार फिर एक नए साइकिल में डाल डालने वाली बात है ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका की मिलिटरी एज ए होल वहाँ से पुल आउट कर रही है या नहीं लेकिन इससे बड़ा इशू ये है कि ये जो नेगोशिएशन हो रही है तालिबान वर्सेस एग्जिस्टिंग रेजिम इसको जो है कंक्लूड होना चाहिए और एक पीसफुल सेटलमेंट जो है वो जरूरी है जो पूरे खित्ते के مفادات में। परफेक्ट थैंक यू मिस पेशानी थैंक यू व्यूअर्स वाचिंग अस वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन Good evening, I'm Wang third opinion with Mr. Bashani. I'm your host, Jasleen. Uh, Mr. Bashani, I'm going to start off asking for the first question, and that is in regards to China has recently declared status of Ladakh illegal. Can you please explain the situation or what's the issue behind them calling it illegal? Uh, thank you, Jasleen. This issue is repeatedly discussed. एंड ऑबियसली ये जो है ना सेम थिंग अगेन एंड अगेन वाली बात हो गई लेकिन चूंकि ये डिस्प्यूट है इस हवाले से ज़ाहिर है जो स्टेटमेंट आती है उस पर हम रिएक्ट करते हैं और डेफिनेटली जो ऑडियंस हैं दे एक्सपेक्ट अस टू रिफ्लैक्ट एंड रिएक्ट तो इसमें यह बात जैसा कि पहले हमने की थी लास्ट ईयर के 5 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने डिक्लेयर किया था लद्दाख को एज यूनियन टेरिटरी बल्कि जम्मू कश्मीर को एज ए यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को उससे अलग करके रियासत जो थी आ, फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उससे अलग करके तो उसको एज ए यूनियन टेरीटोरी डिक्लेयर किया अब उस वक्त भी चीन ने जो है उसकी मजम्मत की थी चूंकि चीन जो है वो रवायती तौर पर यह क्लेम कर रहा है कि लद्दाख उसका हिस्सा है और उसका हिस्सा इसलिए है कि तिब्बत जो है जो रियासत एक ज़माने में सल्तनत थी उसके इर्द गिर्द के ये जितने इलाके हैं जिसमें लद्दाख है अक्साई चीन है गलगित बल्तिस्तान है ये सारे इलाके इस हवाले से एक वक्त में जो है वो तिब्बत का हिस्सा रहे हैं लेकिन ऑडियंस की आसानी के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ कि उस वक्त जो तिब्बत थी वो आप यूँ समझ लें कि पूरे आधे जो है ना वो बर सगीर नेपाल तक फैली हुई थी उसकी जो चूँकि उस ज़माने में जो सुल्तनतें थी उनका कोई उस तरह का परमानेंट जो है ना वो वो नहीं होता था कि उसको बुनियाद बना के तो आप हिस्टोरिकल उससे जो है वो रिज़ल्ट डिराइव करना शुरू हो जाएंगे जी ये रियासत ये थी तो इसलिए ये होना चाहिए इसको सातवीं सदी में फॉर एग्जांपल तिब्बत की जो हम ग्रेटर तिब्बत एक रियासत की बात करते हैं विच वाज लाइक एन अम्पायर okay. तो वो भी उसी तरह जिस तरह इंडियन सब कॉन्टीनेंट के अंदर कहीं छोटे छोटे राजे राजवाड़े उठ के रियासत बन जाते थे और फिर वहाँ से एक बाकायदा एक बड़ी सुल्तनत के तौर पर फैलना शुरू हो जाते थे टूल अर्स में एंड दैट वाज ट्रू विद चाइना विद तिब्बत विद इवन अफगानिस्तान ये छोटी छोटी रियासतें जो थी ये बड़े बड़े दूर तक इनके एक स्ट्रॉग होल्ड बन जाता था मिलिटेली आकुपाई कर लेते थे एरियाज को और उस जमाने में चूँकि रेगुलर मिलटरी सिविल पॉपुलेशन सिटीज़ का तस्वर ये सारी स्ट्रेटेजिक चीज़ें नहीं होती थी तो इसलिए जिसको जितना इलाके पे उसका एक फ़ौजी भी गुजर गया तो वो उसकी सुल्तनत का हिस्सा समझा जाता था राइट जी तो अब ये जो चीन का क्लेम है इस बुनियाद पे है okay. जिसको अंग्रेज़ी में फार फैच कहते हैं yeah. <laughs> कि बहुत दूर से जा ढूंढते ढूंढते, आप अब सातवीं सदी से एक लिंक ढूंढ के ले आए कि जी ये हमारा हिस्सा है तो इसलिए उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने इसको यूनियन टेरिटरी करार दिया तो उन्होंने इसको कंटेस्ट किया कि ये दुरुस्त नहीं है हम इसको जो है उसकी मजम्मत करते हैं हालांकि मैटर ऑफ फैक्ट ये है जिसके जिस पे दोनों इंडिया और चीन दोनों मुतहक हैं कि ये इलाका जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है फार्मर स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ओके okay. और ये जैसा कि मैं पहले कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि चाइना के जो सीरियस किस्म के स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूशनज़ हैं या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह पीकिंग यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो मैप इशू किए हैं माजी में उसके अंदर उन्होंने खुद इन इलाकों को शो किया है एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ़ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो अब वो उसको स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नाम नहीं ले रहे उसको बीच से निकाल के तो बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये लद्दाख चूँकि हमारा हिस्सा है विद रेफरेंस टू तिब्बत देयर फॉर इंडिया को जो है ये राइट नहीं पहुँचता कि इसको यूनियन टेरिटोरी करार दे तो ये उन्होंने अभी रिसेंटली जो है इस पे स्टेटमेंट दी है एज वी स्पीक प्रॉब्लली येस तो ये एक तरह का प्रोटेस्ट उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक आदमी जो है उसने ये बयान दिया जिसके ख़िलाफ़ इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है और इंडिया ने इसको इसको कहा है कि ये गलत स्टेटमेंट है हम इसको नहीं मानते और इसके जवाब में जो है उन्होंने जो 1959 के जो एग्रीमेंट हुआ बॉर्डर एग्रीमेंट उसके हिसाब से उन्होंने इसको कंडम किया है कि हम जो है इसको भी जो है एक तरफ रखते हैं तो ये असल में जैसा कि सब लोगों के लिए बड़ी क्लियर सी बात है कि ये जो बॉर्डर के बहुत लंबा चौड़ा एक हिस्सा है इंडिया और चीन के दरमियान हिल एरियाज़ हैं रिवर्स हैं इस तरह के जो खाली एरियाज़ हैं उनमें पहले जो है वो बाकायदा को कंट्रोल नहीं था जहाँ कोई बैठा हुआ है अगर चीन के फ़ौजी बैठे हुए हैं या इंडिया के बैठे हुए हैं तो वो वहीं बैठे हुए थे लेकिन एक बाकायदा डिमार्केशन जो होती है कि ये हमारा इलाका ये हमारा ये नहीं हुआ था अभी जो रिसेंटली तीन चार सालों से इनके दरमियान एक इस पर जो है वो इशू उठा है जिसकी वजह से अब जो लास्ट ईयर एक समझ लें कि तो भी छोटा मोटा होता रहा नेगोशिएशन भी होती रही और ये एक इंटरनेशनल हेडलाइंस में भी आता रहा है लेकिन बेसिकली जो इशू है वो मैंने आपको बता दिया कि वो विद रेफरेंस टू तिब्बत इस पर क्लेम कर रहे हैं जबकि इंडिया इसको क्लेम कर रहा है विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर राइट right. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि चूंकि जम्मू एंड कश्मीर को ही उन्होंने डिसमेंटल कर दिया एज ए स्टेट तो इस पर अब एक नया क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब आप एक स्टेट को डिसमेंटल कर देते हैं तो उसी स्टेट की बुनियाद पर फिर आप किसी इलाके का जो आपका क्लेम बनता है उसकी क्या लीगल या yeah, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो शक्ल बनती है लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस सारे खिते में आ, जो है वेरी कंट्राडिक्टोरी किस्म के क्लेम्स मुख्तफ जो रीजनल पावर्स हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं इसी के रेफरेंस में आपको दूसरी जो इसका हिस्सा है गलगित बल्तिस्तान का जी। उस पर भी बात कर लूँ चूँकि उससे रिलेटिड है एक तो ये इलाके रिलेटिड हैं विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दूसरा जो है जियोग्राफी के हिसाब से जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं प्रॉक्सीमेटी पे हैं और तीसरा जो इनकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है विद रेफरेंस टू इंडिया पाकिस्तान और चाइना उसकी जो है वो बड़ी अहमियत है okay. तो को इंसिडेंटली एज़ वी स्पीक इंडिया ने भी जो है वो कंडम किया है पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट को कि नवंबर में वो गलगत बल्तिस्तान में इलेक्शन करा रहे हैं मेरे नज़दीक ये स्टेटमेंट इससे भी ज़्यादा इम्पॉटेंट है जो इंडिया ने उसको कहा है कि ये पाकिस्तान का राइट नहीं बनता कि वो वहाँ पे इलेक्शन कराए और इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं अभी इसके दो पहलू हैं और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू तो लुक एट दैट कि इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए एक तो ये है कि इंडिया के लिए तो ये कोई नई चीज़ इसलिए नहीं है कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग राइट नाइनटीन वो क्लेम कर रहे हैं कि गलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा है और अगेन उनका ये क्लेम जो है वो बनता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से चूँकि ये जो महाराजा हरी सिंह की स्टेट थी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसका हिस्सा थे देयर ये हमारा हिस्सा है वेरी सिंपल आर्गूमेंट तो अब जो है वो पाकिस्तान यहाँ पे इलेक्शन करा रहा है जो कि कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि इलेक्शन वहाँ वक्तन फक्तन होते रहे राइट फ्राम टू थाउजेंड नाइन से जो है वहाँ पर मुख्तु तरीकों से एलेक्शन होते रहे हैं दर इज़ नथिंग न्यू अलबत्त इस दफ़ा इलेक्शन के साथ क्या बात जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हल्के हैं उसके अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि गलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए या उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसको किसी तरीके से री एडजस्ट या री अरेंज किया जाए पाकिस्तान के साथ ये है इशू जिसकी वजह से ये तर उबरता है कि पाकिस्तान इन इलाकों को परमानेंटली अपना हिस्सा बनाना चाहता है जो कि रियल बैकग्राउंड है जिसके जवाब में इंडिया ने यह कहा कि हम ये नहीं मानते चूँकि ये इलाका जो है हमारा है और पाकिस्तान का इसके राइट नहीं बनता जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन ज़ाहिर है मैं नहीं समझता कि डपाइट द फैक्ट या जो भी है कि ये किसका हिस्सा है या नहीं है या तारीखी तौर पे या अब किसका है या फ्यूचर में किसका होना चाहिए या कौन उसको क्लेम कर रहा है और कौन कॉन्टेस्ट कर रहा है इर रिस्पेक्टिव ऑफ दीज ऑल क्लेम्स एलेक्शन इट्ल्फ जो है वो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई खराबी नहीं चूँकि वो एक आवाम की डेमोक्रेटिक जरूरत है जी. चूँकि ऑलरेडी वो इलाके जो हैं वो एक ड्राकून किस्म की जो है तरीके से चलाए जाते रहे हैं नो ह्यूमन नो सिविल लिबर्टीज नो डेमोक्रेटिक राइट्स नो सिविल राइट्स और वो एक पहले तो एक जो कानून था एफ सी आर उसको कहते हैं जो है वो फेडरली रेगुलेटेड एरियाज़ के हवाले से के जिसको आप दूसरे अल्फाज में एक काला कानून शया कानून कह सकते हैं एंड देन Uh, ये बहुत बाद में जाके तो उसको ख़त्म किया गया uh, और उसके बाद उसकी जगह दूसरे कानून जो है वो लाए गए लेकिन फिर भी जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जो एक सिविलाइज्ड नेशन के लिए ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में एक तरह का मैंडेटोरी है व्हेन यू स्पीक अबाउट राइट्स एंड डेमोक्रेटिस डेमोक्रेसीज देन इट बिकम्स मैंडेटोरी कि आप फिर उस इलाके में जिसमें आप ये बात कर रहे हैं उसमें उसकी रिस्पेक्ट करें जो कि नहीं हो रही थी right. तो इलेक्शन के हवाले से बात यह है कि सवाल ये है कि अगर इलेक्शन वहाँ पर नहीं होते तो वहाँ पर या तो उन इलाकों को मिलिटरी रूल करेगी या मिलिटरी की सुपरविज़न के अंदर वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो कि अपॉइंटेड अथॉरिटीज़ हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अनिलेक्टेड वो उसको रूल करेंगी तो उसमें जो वहाँ के अवाम की से है इस्पेक्टिव ऑफ़ देयर फ्यूचर वो जो है वो ख़त्म हो जाती है उनका स्टेक जो है वो कम अज़ कम हो जाता है तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आल दो के वो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं लेकिन उसके अंदर उनका कम अज़ कम ये है कि वो अपनी किसी न किसी तरीके से आवाज़ जो है उसको उठा सकते हैं हुआ वो कैंडिडेट जो है उनको सपोर्ट करने की शक्ल में करें या किसी और तरीके से करें तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन होंगे लेकिन इस बात से बहरहाल एक फ़र्क ज़रूर पड़ता है के इन इलाकों के फ्यूचर के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर एक डिस्कशन हो रही है अभी इस डिस्कशन की अगर आप बैकग्राउंड में जाएँ तो इज़ नॉट जस्ट अ डिस्कशन इज़ ए सीरियस टू चेंज द स्टैटस ऑल टूगेदर उसकी जो है वो दो तीन वजूहत हैं एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है कंसर्निंग दीज एरियाज कश्मीर अफेयर्स और गलगत बल्तस्तान उसने ख़ुद जो है वो गलगित बल्तिस्तान के जो प्रेस रिप्रजेंटेटिवस हैं और रिपोर्टर्स हैं उनके साथ एड्रेस उनको एड्रेस करते हुए ये कहा है कि हम गलगित बल्तिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं जिसका मतलब ये है कि हम इसको पाकिस्तान के बाकी चार सूबों के बराबर सूबा बनाना चाहते हैं जी ठीक है अब इसके लिए उन्होंने जो वजात की कि इसकी वजह यह है जी कि इन इस तरीके से जो पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक फोरम्स हैं फॉर एग्जांपल नेशनल असम्बली है सेनेट है उसमें उनको जो है नुमाइंदगी मिलेगी ऑन इक्वल बेसिस एज वेल एज जो पाकिस्तान के एकनॉमिक और पॉलिटिकल फोरम्स एंड डिसीजन मेकर एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम्स उनके अंदर भी उनको ए, उनकी जो पापुलेशन है और उनकी जो रकबा है उसके तनासब से दे विल गेट देयर ऑन ए प्रोपोशनेट तो इस हवाले से ये एक समझ लें कि एक तरह का एक बहुत ही रोज़ी किस्म का एक उनको तस्वर दिया जा रहा है कि आप लोगों को जो है अपने इस जो पसमानदा किस्म का वेरी बैकवर्ड वेरी अन डिवेलप एंड एक्चुअली वेरी अनजस्ट किस्म का एक जो सिस्टम हमने इनप्लेस किया हुआ है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद मोर सिविलाइज्ड एक्सेप्टेबल और डेमाक्रेटिक सिस्टम के जिसमें कि आप इक्वली पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के जो है उस साथ बैठ के तो अपने मामला में डिसीजन करेंगे विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर सम ऑफ द पीपल लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह की हैं कि जिसमें लोग सवाल उठाते हैं जिसमें खुद वहाँ के गलगित के लोग शामिल हैं चूँकि उनका ख्याल ये है कि इस तरह का कोई जो पैकेज है उसकी डिटेल जो है वो पहले आवाम के अंदर डिस्कस होनी चाहिए और आवाम के अंदर एक वसी पैमाने पे उसकी कंसल्टेशन के बाद उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है होनी चाहिए बजाय इसके कि आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या पाकिस्तान की असम्बली के थ्रू या प्रेजिडेंशल आर्डर के थ्रू या एनी अदर मीन ऑफ वट यू कॉल इट एक जो होते हैं तरीके एडमिनिस्ट्रेटिव उसके ज़रिए अब इसको करना चाहते हैं दूसरा ये है कि वहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये इतना बड़ा जो है वो एट्रैक्टिव पैकेज होने के बावजूद वहाँ के जो अवाम हैं वो इसको अपनी जो उनके जो नेशनल आइडेंटिटी है अपना जो कल्चर है खाशात हैं और जो उनकी अपनी सोच है उससे वो इसको एट आर्ट समझते हैं right. और वो समझते हैं कि ये जो है वो रास्ता नहीं है तीसरा जो जैसा कि पहले मैंने कहा कि चूँकि ये इलाके जो हैं एक तरीके से अटैच हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ तो उस अटैचमेंट के हवाले से भी कुछ लोग समझते हैं कि इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटेग्रिटी है और री यूनिफिकेशन है उसके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए वहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो समझते हैं कि इस पैकेज के लिए आवाम की एक ओपन इंडिपेंडेंट और फ्री कंसल्टेशन जो है वो बहुत जरूरी है थैंक यू मिस पशानी, थैंक यू अस एंड वी बी राइट बैक थैंक यू subscribe tag tv youtube channel and press the notification button welcome back viewers mr bashani <coughs> would you still like to continue with the question that we're doing in afghanistan or can i go ahead and ask the second question now uh, you can do it again sir like <laughs> uh, afghanistan